अगर आप भी जानवर पालने के शौकीन हैं, एनिमल लवर हैं, तो आज का ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए आज हम हैं पीपल फार्म में और इस पीपल फार्म की क्या खासियत है चलिए मैं बताती हूँ आपको। चलिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल फार्म में जो कि धर्मशाला से 12 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग, और अगर आप कांगड़ा से आते हैं तो कांगड़ा से ये आपको पड़ेगा 18 किलोमीटर। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपको अजीब सा सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको पता चलेगा कि पैशन लाइफ में फॉलो करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ बैठे हैं पीपल फार्म के को फाउंडर रॉबिन, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रॉबिन एनिमल लवर है, और हमने शुरुआत में भी बताया कि आज एपिसोड उन लोगों के लिए बेहद खास है जो जानवरों से बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं। रॉबिन, आपकी जो मैंने स्टोरी गूगल की या फिर मैंने फेसबुक पेजेस पे पढ़ी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप अमेरिका से आए हैं और आपने अमेरिका में अच्छा खासा समय बिताया है, वहाँ अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिर आपने कैसे डिस्कवर किया कि आपको वो नहीं करना, आपको यही करना है? मैं एक्चुअली यूएस में एक टेक कंपनी चलाता था, एंड जो मेरा गोल था वो ये था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ताकि मुझे रोज़ अपने 8 hours स्पेंड ना करने पड़े कुछ ऐसा करने पे जो जिसका कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ आजीविका कमाने के लिए। तो मुझे ये था भाई मेरा एक ऐसा हो जाए कि मेरा जो खर्चे हैं सारे चल जाए और मुझे उसके लिए डेली काम ना करना पड़े। तो 2011 के शुरू में मैं उस मुकाम पर पहुँच गया, तो मेरी लाइफ काफ़ी चिल थी, तो मैं अपना सारा टाइम इसी तरह स्पेंड करता था कि भाई फाइन डाइनिंग, ट्रैवल, वीडियो गेम खेली, घूमे फिरे, मस्ती करी। बिकॉज बचपन से ये था भी यही कि भाई पैसे हों, पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, पैसे से आप एक्सपीरियंसेस खरीद सकते हैं और उससे आप खुश होते हैं। तो यही मेरी लाइफ थी, पर खुशी तब भी एब्सेंट थी। कोशिश तो मैंने बड़ी करी कि भाई ये गाड़ी खरीदूँ, शायद मैं इससे खुश हो जाऊँ, पर वो बात बनी नहीं। तब उस समय मैंने कहा कि ओके, मुझे एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा खुश होने के लिए, और तब मैंने इंडिया का रुख किया। तब मेरी मुलाकात एक लॉरेन नामक एक लेडी से हुई, और शी कनेक्टेड मी विद माई चाइल्डहुड ड्रीम, जो मुझे था कि मैं ना जानवरों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो जब मैं लॉरेन से मिला, लॉरेन के पास ना पैसे थे, वो बीमार भी बहुत थी, बूढ़ी भी थी, और फिर भी वो 40 या 60 स्ट्रे डॉग्स की हेल्प कर रही थी। तो वहाँ से फिर 2013 फरवरी से हमने लॉरेन के साथ काम करना शुरू किया। उसके बाद हमने दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करना शुरू किया, और एक पॉइंट पे हमने रियलाइज किया कि ठीक है यार, आप एक 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 जानवर की मदद करोगे, आप कितनों की कर लोगे। तब हमने पीपल फार्म की शुरुआत की 2014 दिसंबर में, जिसका मुद्दा यह था कि यार यहाँ पे नॉट ओनली वी विल हेल्प एनिमल्स हील बट ऑल्सो बी हर्ड। और पीपल फार्म की शुरुआत करने के 2-3 साल बाद, शुरू के 2-3 साल तो बहुत कठिन थे, पर कहीं पे 2-3 साल बाद एक डीप सैटिस्फैक्शन सेट इन कि हाँ यार अब मैं खुश हूँ। आपको कभी ये चीज रियलाइज नहीं हुई कि लाइक कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस भी किया जाए? देखिए, पैशन फॉलो करना एक अलग चीज है और पर्पस फॉलो करना एक अलग चीज है। तो अगर आप कुछ ऐसा करें जिससे ना सिर्फ आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, आप पैसे भी कमा रहे हैं और आप कुछ किसी और के लिए भला भी कर रहे हैं, तो उसमें सब चीज़ें कंबाइन हो जाती है। तो जैसे पीपल फार्म में जब हमने पीपल फार्म शुरू किया, तो इनिशियली तो जो सारी फंडिंग है मैंने अपनी टेक कंपनी एग्जिट की थी, तो वहाँ से करना मेरे लिए आसान था। तो हमने एक सोशल एंटरप्राइज शुरू किया जिसमें हम ना सिर्फ लोकल जो लड़कियाँ हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देते हैं ताकि वो थोड़ा एम्पावर्ड फील करें, भाई वो 4 पैसे कमाती हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई हमारे पास एक से है, हमारे पास एक पावर है, बट हम हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि मेरे को शुरू से मैं पैशनेट था इस अपना खाना उगाने में और क्लीन खाना खाने में, तो ये पैशन था। और जो सारा पैसा है वो यूटिलाइज होता है एनिमल्स की हेल्प करने में या एनिमल्स की जो मैसेजिंग है उसको बाहर ले आने में। मुझे टचवुड कोई ज़रूरत नहीं है इससे सैलरी लेने की, बट अगर मान लीजिए कोई बंदा है जिसको एक आजीविका की ज़रूरत भी है, वो अच्छा काम भी करना चाहता है, तो दे डोंट हैव टू वेट कि यार मैं पहले अच्छा काम, पहले मैं अपनी आजीविका कमाऊं, मैं पैसे इकट्ठा करूं, फिर मैं अच्छा काम करूं, सब कुछ कंबाइन करके किया जा सकता है। वी जस्ट हैव टू लुक एट थिंग्स डिफरेंटली, नॉट ओनली कन्वेंशनली। फिलहाल हमारी जो टीम है, हम अराउंड 34 लोग हैं, जिसमें हम पहले तो 4 projects मैनेज होते थे, इस समय सिर्फ होता है एनिमल रेस्क्यू, हमारा जो सोशल एंटरप्राइज है प्रोडक्ट्स वाला, और इसके अलावा जो हमारी मीडिया है। फार्म जो है इस समय थोड़ा इग्नोर्ड है,
और फार्म से इस समय बंद है कोविड के दौरान। मेरा कभी भी गोल ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा गोल था, बट इट वॉजेंट लाइक कि यार अगर ये चीज़, अगर मुझे मान लीजिए मेरा महीने का खर्चा $4,000-5,000 है, तो इट वॉजेंट लाइक कि जो मैं बिजनेस करूँ वो सीधा मुझे $4,000-5,000 दे। मुझे ये था कि यार अगर $100 भी आते हैं ना कोई छोटी चीज़ करके, तो मैं 30-40 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर लूँगा। वहीं से मेरा शुरू हुआ, वहीं से मेरा एक सॉफ्टवेयर था जो मैं बेचा करता था, और उसकी डिलीवरी को ऑटोमेट करने के लिए मैंने ईजंकी शुरू की जो मेरी कंपनी है, और वही जाके आगे बढ़ गया। तो मेन चीज़ होती है कि आप शुरुआत करिए, सही दिशा में एक पहला कदम उठाइए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। अगर आपको जानवर पालने का शौक है या फिर जानवर रेस्क्यू करने का शौक है, तो आप एक जानवर से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, जब तक मेरे पास कुछ बड़ा सा वेंचर नहीं होगा मैं तब तक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, रादर कि आप पैसे के पीछे भागे। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुकून तभी है जब आप अपने पैशन को आगे लेकर जाते हैं। तो रॉबिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे तो लगता है कि मैं जब भी आऊँगी यहाँ विजिट ज़रूर करूँगी। और जैसे रॉबिन ने कहा कि ये किसी भी तरह से एनकैश नहीं करना चाहते, तो आप विजिट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है इनका अपना जी, पीपल फार्म, पीपल फार्म के नाम से फेसबुक पेज है, आप उस पे जाके पूरी डिटेल्स दे सकते हैं, और आपको ऐसी कई सारी स्टोरीज वहां पर इंस्पिरेशनल लगेंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको जानवरों से प्यार है तो इस पेज को जरूर आप लाइक कीजिएगा, पीपल फार्म के नाम से फेसबुक पेज, और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।